आज के इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे हेल्दी सॉफ्ट स्पंजी एंड सो यम्मी केक, और वो भी घर पर ही इजीली गैस तंदूर पर। वैसे तो केक माइक्रोवेव में कढ़ाई में बहुत तरीके से बनाया जा सकता है और हर एक का अपना फ्लेवर है। केक तभी अच्छा लगता है जब वो अच्छी तरह से पफ्ड स्पंजी लुक में बना हो, काफी सॉफ्ट हो, अंदर से बेक्ड हो अच्छी तरह से। और वन थिंग मोर पर्सनली आई वांट टू ऐड कि अगर उसमें हेल्थी चीजें हो, लाइक उसमें बहुत ज्यादा बटर ना हो, उसमें मैदा ना हो, तब वो मेरी खास चॉइस बन जाती है। तो आइए सीखते हैं आज ऐसा ही हेल्थी न्यूट्रिशियस सॉफ्ट स्पंजी एंड नो डाउट टू यम्मी केक। सो बिफोर स्टार्टिंग, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, यू कैन सब्सक्राइब टू होगा जरूर बाय क्लिकिंग। इफ यू आर वाचिंग फ्रॉम मोबाइल तो यहाँ पर, और अगर आप कंप्यूटर से देख रहे हैं तो भी नीचे लेफ्ट हैंड साइड में सब्सक्राइब के आइकन को क्लिक करके होगा जरूर को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियो सून। तो स्टार्ट करते हैं। इस केक को बनाने की विधि बहुत ही आसान है। इंग्रेडिएंट्स आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं और मैंने फर्दर ऑन भी वीडियो में बताए हैं। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने एक खुले मुंह के बाउल के ऊपर छालनी रखकर, यानी कि सीव रखकर, उसके ऊपर 1 कप व्हीट फ्लोर लिया है। यू कैन टेक कप और कटोरी, वट एवर मेजरिंग कंटेंट यू वॉन्ट टू टेक। देन वी विल एड 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर एंड 1/2 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा। दोनों चीजें मिलाने के बाद हम इसको छान लेंगे। दिस प्रोसेस इज वेरी नाइस टू मिक्स व्हीट फ्लोर, बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। द नेक्स्ट स्टेप इज टू ऐड शुगर। तो 1/2 कप शुगर लेकर आप उसको ग्राइंडर में, अगर आपका पाउडर नहीं है, ग्राइंड करिए। देन यू सिंपली ऐड दिस टू व्हीट फ्लोर। देन आफ्टर दैट वी विल ऐड 1/2 कप ऑफ कर्ड योगर्ट, और कर्ड हम इसमें मिला देंगे। दही मिलाने के बाद देन वी विल ऐड 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल, 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल के डाल देंगे। हेयर आई एम यूजिंग ऑलिव ऑयल, यू कैन यूज एनी रिफाइंड ऑयल। देन वी विल स्टार्ट द लवली प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग। वी शुड मिक्स दिस बैटर टू मेक इट अ स्मूथ पेस्ट स्लोली एंड सॉफ्टली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट वी हैव टू यूज मिल्क टू मेक इट अ स्मूथ पेस्ट। तो इसके लिए नियरली देर इज नॉट फिक्स रेशियो कि कितना मिल्क की जरूरत होगी। तो ठंडा हमने सिंपल मिल्क इसमें लिया है, तो हम इसमें नियरली 1 बाउल के 1 कप जिसको हम कहेंगे मिल्क की ज़रूरत होगी। तो हम थोड़ा थोड़ा डाल के जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी एक स्मूथ हो जाए हम इसमें मिलाकर मिक्स करेंगे। And we will add vanilla essence, 1 teaspoon of vanilla essence for good marvelous flavor to the batter. तो इसको हम जब mix करेंगे, we will mix this batter, cake batter with the very common method of cut and fold. तो इस cut and fold method से जो cake का batter है बहुत अच्छे से mix हो जाता है। तो इस cut and fold method में, if you are new to cut and fold method, तो इसमें simply हमें पहले कड़छी को बीच में ऐसे कट करते हैं जैसे किसी चीज़ को कट करना है, फिर साइड से पूरे में घुमा देना है। इससे जो केक का बैटर है बहुत अच्छे से स्मूथली मिक्स हो जाता है। सो आफ्टर दिस लवली मिक्सिंग प्रोसेस, तो ये बैटर हमारा बिल्कुल सॉफ्ट रेडी हो जाएगा। वी विल कीप इट असाइड। हियर इट्स द टाइम टू प्री हीट अवर गैस तंदूर। और इसको प्री हीट करने के लिए गैस तंदूर को फुल फ्लेम गैस का ऑन करके उस पर रख देंगे।
और इस पे कुछ ड्रॉप्स जब हम पानी के डालकर देखेंगे तो ड्रॉप्स ऊपर ही रह जाएंगे, विच इज इंडिकेटिंग दैट गैस तंदूर इज नॉट रेडी, वो प्री हीट नहीं हुआ। जब तक गैस तंदूर प्री हीट हो रहा है तो हम अपनी बेकिंग ट्रे रेडी कर ले। सो दिस वन बेकिंग ट्रे विच हैव गॉट विद गैस तंदूर, सो इसके ऊपर हम ऑयलिंग करेंगे हल्का सा, आप हाथ से भी कर सकते हैं और यू कैन यूज ब्रश ऑल्सो। और फिर हम इसके ऊपर हल्का सा, मैंने ये मैदा डस्टिंग के लिए इस पर इस्तेमाल किया है, तो स्प्रिंकल सम फ्लोर ऑन इट और उसको साइड से थोड़ा टैप करके सब तरफ एक व्हाइटिश लेयर बना लेंगे, जिससे कि हमारा जो केक है बेकिंग के बाद आसानी से निकल जाए। सो नाउ दिस अवर बेकिंग ट्रे इज रेडी, वी विल पोर ऑल द बैटर जितना भी है वो इसमें हम डाल देंगे। और आपको अगर जो मोल्ड मिले हैं या जो भी बेकिंग ट्रे मिली आप वो यूज कर सकते हैं, वरना आप एक सिंपल स्टील या एल्युमिनियम का कोई बाउल भी केक बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको फिर बैटर के साथ हल्का सा ऐसे से टैप करके इसको सेट कर देंगे, तो हमारा ये केक का बैटर सेट हो गया। नाउ वी विल चेक अवर गैस तंदूर, तो अगेन क्योंकि 5 से 10 मिनट्स हो गए हैं, हमने फ्यू ड्रॉप्स इसके ऊपर डाले, तो ड्रॉप्स ऑफ वाटर कमिंग एट वंस, तो एकदम से नीचे आते हुए वाटर ड्रॉप्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि गैस तंदूर इज प्री हीटेड, इट्स रेडी। नाउ वी विल कीप अवर बेकिंग ट्रे विथ केक बैटर इनसाइड द गैस तंदूर, तो गैस तंदूर की ग्रिल पर इसको रख दें। कवर द लिड एंड वी विल कीप द फ्लेम ऑन स्लो मीडियम। जनरली दिस केक टेक्स 20 to 25 minutes फॉर बेकिंग। And we know that the famous process of checking the cake is using a knife or fork. We will insert the knife in the center. Or if it is coming clean, तो clean knife अगर बाहर आ रहा है, तो it indicates that our marvelous baking process is over और हमारा केक रेडी है, बेक हो चुका है, अंदर तक सिक चुका है और बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। तो चलिए इसको बाहर निकालते हैं। And here the important point is to keep it aside to cool, इसको बिल्कुल बिना छेड़े ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ हम अगर इसको चेक भी करेंगे तो काफ़ी गर्म भी है और हमारी फिंगर से पता लग रहा है कि बहुत सॉफ्ट है, स्पंजी है। तो वेट करते हैं 10 मिनट्स के लिए। अब ये 10 मिनट्स हो गए हैं और नाउ इट कैन बी टच, तो ये टच किया जा सकता है, थोड़ा कूल हो गया है और साइड से हम नाइफ से चेक कर रहे हैं तो ये साइड से ऐसे छूट भी गया है। तो वी विल कीप वन प्लेट उसको अपसाइड डाउन ऑन द केक और इसको पलटा देंगे हल्का सा हम इसको। टैप करेंगे तो ये इजिली बाहर आ जाएगा, तो इसको ठंडा होने पर ही निकालें। कई बार अगर हम जल्दी ट्राई करते हैं उसको निकालने की तो वो इजिली बाहर नहीं निकलता। So now we can check. I can feel the sponginess, the softness, fragrance also. ना सुंदर इसका कलर आया है, ये पूरा अच्छी तरीके से बेक हो गया है। इतना सॉफ्ट स्पंजी है और सब तरफ से अच्छी तरह से सिक चुका है, कहीं से भी कच्चा नहीं है। ये देखिए, सी द कलर, इट्स फ्रेग्रेंस इज वेरी नाइस। ये बहुत अच्छे से फटाफट बेक हो गया है सब तरफ से। अब इसको हम कट करते हैं ताकि हम इसको अंदर से अच्छे से चेक कर सकें। इट्स वेरी स्मूथ इन कटिंग, इट्स
एंड वी टेकिंग वन पीस, और इस तरीके से वन पीस हम निकाल के जब इसको चेक करेंगे करीब से, सी इट्स सॉफ्टनेस, पिलो लाइक सॉफ्टनेस, लाइक वेरी सॉफ्ट एंड टेस्ट इज रियली मार्वलेस। तो आप इसको घर पर बनाकर इसका टेस्ट ज़रूर करिए, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि जैसे मुझे ये टेस्ट इतना, केक इतना मार्वलस लगा, अच्छी तरह से बेक कुक्ड, आपको कैसा लगा। और गैस तंदूर पे बनाने वाली डिशेस में एक और डिश आज हमने सीखी, और बहुत इजीली हम इसे बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप के आइकन को क्लिक करके मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एंड इफ यू वांट टू शेयर माय वीडियोस टू एनीबडी देन यू कैन क्लिक ऑन दिस शेयर इट आइकन एंड रेकमेंड शेयर माय वीडियोस टू एनीबडी। तो आप कर सकते हैं, इफ यू हैव एनी कमेंट्स देन गिव योर कमेंट इन कमेंट्स बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ, नए आइडियाज के साथ।